गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का एकादशी पर किया जाने वाला उपाय आप सभी को करके सही विधि से दिखाऊंगी, जिससे कि कई बार होता है मनोकामना पूरी नहीं होती है। 21 अक्टूबर के दिन जो है एकादशी पड़ रही है, आप सभी जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। काफ़ी सरल उपाय है, यह उपाय है व्यापार वृद्धि। नौकरी ना लग रही हो, जगह जगह आप उपाय करके देख लिए और इंटरव्यू देकर देख लिए, धन इत्यादि की परेशानी है तो भी आप सभी इस उपाय को करें। कहने का अर्थ है, जीवन में कोई भी परेशानी हो तो सरल तुलसी का उपाय कार्तिक माह में किया जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को लेने हैं तुलसी के 11 पत्ते। कितने लेने हैं? 11 पत्ते। परंतु एकादशी के दिन आप पत्ते नहीं तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। शास्त्र नियम कहता है एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो आप सभी को आज ही जो है तुलसी के पत्ते तोड़कर, दशमी है आज, तो आज ही जो है आपको यह पत्ते तोड़कर फ्रीज में रख लेने होंगे या साफ स्वच्छ स्थान पर रख लेने होंगे, जिससे कि कल आप उपाय कर सके। इसके साथ ही पत्ते देखिए कहीं से कटे फटे ना हो, टूटे फूटे ना हो, अच्छी अवस्था में पूर्ण हो, डंडी सहित हो, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अभी तो मैंने इनकी संख्या कम ली है, 6 ली है, इससे ज़्यादा जो है आप सभी को 11 लेनी है। अब आप सभी को देखिए मैं जैसे दिखा रही हूँ, साफ स्वच्छ होने चाहिए। चाहे तो रामा तुलसी ले सकते हैं, चाहे तो श्यामा तुलसी, कोई भी तुलसा जी ले सकते हैं। इस कार्य को करते हुए आप सभी को निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना है, क्योंकि एकादशी का कार्य श्रीहरि विष्णु के लिए किया जाता है। अब जो है आप चाहे तो ऐसा तांबे का कलश ले सकते हैं, चाहे तो पीतल का ले सकते हैं। कलर जो है इसका लाल है, तो यह मत सोचिएगा यह जो है मैंने कलर कर रखा है, अंदर से पीतल ही है। ऐसे में आप सभी जो है इसके अंदर पूरे कंठ तक गंगाजल भर लेंगे। अगर गंगाजल बहुत अधिक मात्रा में है तो बड़ी जो है तांबे का बर्तन या जो भी आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर गंगाजल कम है तो आप छोटा जो है बर्तन भी ले सकते हैं। मेरा ये गंगाजल का पात्र है, हालांकि मिट्टी का भी लिया जा सकता है जिसे कि मंदिर में ही छोड़ कर आया जाए, परंतु आप जो है इस तरह का छोटा तांबे का ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा कर रही हो उस तरह से ले सकते हैं। परंतु इसमें गुरुदेव कहते हैं पानी नहीं मिलाना है, इसमें सिर्फ गंगाजल कंठ तक अर्थात पूरा भर लेना है। अब आप सभी को इसके अंदर अपने मन की बात कहते हुए सभी 11 पत्ते समर्पित कर देने होंगे और आप सभी को इस कलश को ले जाकर जाना होगा श्रीहरि विष्णु का कोई भी स्वरूप का मंदिर हो, जैसे गुरुदेव कहते हैं दत्त आदि का हो, भगवान राधा कृष्णा का हो, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हो या श्रीहरि विष्णु का स्वरूप हो, कोई भी उनका जो स्वरूप है वह अंकित हो, वहाँ पर ले जाकर आपको इस तरह से ले जाना है और 11 पत्तों का यह कलश महामंदिर में समर्पित कर देना है। अब आपको वहाँ थोड़ी देर रुकना है, करीब 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी देर आप रुक पाएँ, क्योंकि थोड़ी देर इस कलश को वहीं छोड़ देना है श्रीहरि विष्णु के मंदिर में। आप चाहे इस दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं या जो आपको सही लगे वह कर सकते हैं। अब आप सभी ने यह कार्य कर लिया, अब आप सभी को यह कलश उठाकर किसी पेड़ के नीचे इस जो है जल को समर्पित करना है। अब यह जल आप चाहे पीपल वृक्ष के नीचे, आंवले वृक्ष के नीचे, तुलसी माँ के नीचे या कोई भी जो पवित्र पेड़ होगा उसके नीचे जो है इसका जल श्रीहरि विष्णु को रखने के बाद उसके बाद जो है समर्पित कर देना है। बस यही कार्य आपको एकादशी के दिन करना है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं इस कार्य को करने से बहुत प्रचलित उपाय है, इससे बहुत तत्काल लाभ होता है। धन संपदा, कहीं से नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, इंटरव्यू इत्यादि की समस्या है, तो आप जो है जरूर इस सरल उपाय को करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर भी मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा।